नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। हमारे पिछले लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन से संबंधित सवालों को हल किया था और आज के लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, मिट्टी और जलवायु से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से CGPSC में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, हमारी तैयारी का तरीका और एग्जाम दोनों का टारगेट CGPSC प्री 2020-21 होना चाहिए। अभी हमें, चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो अभी हमें किसी और एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है। हमें तैयारी उस तरीके से करनी है जिससे हमारा CGPSC प्री 2020-21 ये निकल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले निम्न शैल समूहों को मात्रा के आधार पर घटते क्रम में लिखिए। यहाँ पर चार शैल समूह के नाम दिए गए हैं, कड़प्पा, धारवाड़, आर्कियन और गोंडवाना। हमें इन शैल समूहों को छत्तीसगढ़ में विस्तार के आधार पर घटते क्रम में लिखना है, अर्थात किस शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक है उसे पहले लिखना है और जिस शैल समूह का विस्तार उससे कम है उसे बाद में लिखना है। तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये चारों शैल समूह छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दो और शैल समूह पाए जाते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, दक्कन शैल समूह और विंध्यन शैल समूह। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं ये तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 6 शैल समूहों से बनी है छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। तो आइए देखते हैं कि इनका विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ के मैप में जो भी आपको एरिया व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ पर आर्कियन शैल समूह का विस्तार है, मतलब कि उत्तरी पठारी क्षेत्र, पिंडरा लोरमी का पठार, मुंगेली का एरिया, ये मैकल रेंज, नीचे दंडकारण्य का पठार, इधर धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद का क्षेत्र। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि आर्कियन शैल समूह छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में विस्तृत है। देखिए, ये भी पठारी क्षेत्र है, ये भी पठारी क्षेत्र है, ये मैकल रेंज है और ये भी उच्च भूमि का क्षेत्र है। तो मैप को देखकर तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा विस्तार छत्तीसगढ़ में आर्कियन शैल समूह का है। लगभग 50% विस्तार आर्कियन शैल समूह का है और ये कहाँ विस्तृत है, तो पठारी क्षेत्रों में विस्तृत है। और अगर हम दंडकारण्य के पठार की बात करें तो दंडकारण्य के पठार का लगभग 75% क्षेत्र आर्कियन शैल समूहों से निर्मित है। ठीक, अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग का मतलब ये कि आज से 480 करोड़ वर्ष पहले से लेकर आज से 57 करोड़ वर्ष तक, ये जो काल अवधि है, आज से पहले 480 करोड़ वर्ष से लेकर 57 करोड़ वर्ष तक इस शैल समूह का निर्माण हुआ था। इसका तात्पर्य यह है कि यह सबसे प्राचीन गहराई में पाई जाने वाली और कठोर चट्टाने हैं। प्राचीन गहराई में पाई जाने वाली और कठोर जीवाश्म रहित चट्टाने हैं। इस चट्टानों का निर्माण लावा के जमने से हुआ है। ठीक है, तो ये चट्टाने जीवाश्म रहित होती हैं और इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीच चट्टाने पाई जाती हैं। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एक एक सवाल बन सकता है और CGPSC में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि दंडकारण्य के क्षेत्र में मैक्सिमम विस्तार किस शैल समूह का है। ठीक है, यहाँ से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि
आर्कियन शैल समूह की चट्टाने जीवाश्म रहित होती है कि इस पर जीवाश्म की मात्रा होती है। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि आर्कियन शैल समूह का निर्माण किस युग में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे धारवाड़ शैल समूह की। धारवाड़ शैल समूह ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से बनी है, मतलब कि आर्कियन शैल समूह के चट्टानों के अपरदन से धारवाड़ शैल समूह की चट्टाने निर्मित हुई है। अब हम देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये छोटे छोटे समूहों में विस्तृत है। ये आपको जो ब्लू पट्टी दिख रही है ना, राजनाथ गांव, कबीर धाम, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, यहाँ पर बलौदा बाजार, ये वाला जो एरिया बलौदा बाजार, रायपुर और महासमुंद का एरिया, यहाँ पर दल्ली राजहरा का क्षेत्र, बालोद, थोड़ा सा कांकेर का क्षेत्र और बेमेतरा, ठीक है। यहाँ पर रावघाट की पहाड़ी जो कि कांकेर क्षेत्र में विस्तृत है, ये वाला एरिया, और नीचे बैलाडीला का क्षेत्र। इतने छोटे छोटे एरिया में ये विभाजित है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल समूह की तीन श्रृंखला है। ये जो ऊपर की श्रृंखला है इसे चिल्फी घाटी श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर मध्य में सोना खान के पहाड़ी क्षेत्रों में विस्तृत धारवाड़ शैल समूह को सोना खान की श्रेणी कहा जाता है। और नीचे ये जो तीन क्षेत्र है, दल्ली राजहरा, रावघाट और बैलाडीला, इसे बस्तर बालोद श्रेणी कहा जाता है या फिर लौह अयस्क श्रेणी भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल समूह की तीन श्रेणियां हैं, चिल्फी घाटी, सोना खान और नीचे बस्तर बालोद श्रेणी। अब इसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, सवाल यहां से भी पूछा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से स्टील, अभ्रक और लौह अयस्क, क्वार्टजाइट भी पाया जाता है, ठीक। तो मुख्य रूप से ये सभी खनिज इन चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बैलाडीला के क्षेत्र में लोहे का भंडार है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको धारवाड़ शैल समूह के बारे में ध्यान रखना है। देखिए, अभी तक हमने आर्कियन शैल समूह, इसे हम लिख लेते हैं आर्कियन शैल समूह, जो कि छत्तीसगढ़ के लगभग 50% क्षेत्र में विस्तृत है, और धारवाड़ शैल समूह के बारे में चर्चा कर ली है, ठीक। अब हम बात करेंगे कड़प्पा शैल समूह की। तो यहाँ पर आप मैप में देखिए, कड़प्पा शैल समूह का विस्तार, जो जो एरिया आपको भूरे रंग से दिख रहा है वो पूरा एरिया कड़प्पा शैल समूह का है, मतलब कि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कड़प्पा शैल समूह का विस्तार हमें देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में इसकी तीन श्रेणियां हैं, रायपुर श्रेणी, चंद्रपुर श्रेणी और बिंझावर श्रेणी। ये जो कड़प्पा शैल समूह है ये धारवाड़ शैल समूह के अपरदन से बनती है, और ये टूटी फूटी कायांत्रिक चट्टाने होती है। देखिए, हम इसके विस्तार को देखते हैं तो यहां पर उत्तरी बालोद से लेकर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कड़प्पा शैल समूह की रायपुर श्रेणी विस्तृत है। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, उत्तरी कांकेर से लेकर नीचे रायगढ़ तक, ये वाला क्षेत्र कड़प्पा शैल समूह की चंद्रपुर श्रेणी है। यहाँ पर डोलोमाइट और चूना पत्थर पाया जाता है, और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई है। जबकि अगर हम चंद्रपुर श्रेणी की बात करें तो चंद्रपुर श्रेणी में हरा क्लोराइट,
और गुलाबी बैंगनी रंग के शैल पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम नीचे भिंजावर श्रेणी भी देखते हैं, तो भिंजावर श्रेणी का विस्तार इधर उत्तरी बस्तर ये वाले क्षेत्र में हुआ है, उत्तरी बस्तर और कोंडागांव के क्षेत्र में, और नीचे अंत्यल्प कहीं ये बीजापुर और सुकमा के क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से कड़प्पा शहर समूह का विस्तार स्पेशली छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में हुआ है। और यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है, तो चूना पत्थर खनिज पाया जाता है, आपको इतना ध्यान में रखिएगा। और मैप को देख के आपको ये तो समझ में आ ही रहा है कि सर्वाधिक विस्तार जहां पर एक और आर्कियन शहर समूह का है, तो उसके बाद दूसरा नंबर तो कड़प्पा शहर समूह का ही आता है। तो छत्तीसगढ़ के लगभग 30% क्षेत्र में कड़प्पा शहर समूह का विस्तार है। अब हम बात करेंगे गोंडवाना शहर समूह की। तो मैप में देखिए गोंडवाना शहर समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। यहाँ पर हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में गोंडवाना शहर समूह का विस्तार है। छत्तीसगढ़ में भी गोंडवाना शहर के 3 श्रेणी हैं, एक तो अपर गोंडवाना, दूसरा मध्य गोंडवाना और तीसरा लोअर गोंडवाना। अपर गोंडवाना को हिमगिरी श्रेणी भी कहा जाता है और लोअर गोंडवाना को बराकर श्रेणी भी कहा जाता है। अपर गोंडवाना का विस्तार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दक्षिण कोरिया, जनकपुर, महेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, फिर सूरजपुर और सरगुजा, इस क्षेत्र में अपर गोंडवाना का विस्तार हुआ है। और उसके नीचे हम देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है, सुहागपुर बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन और सरगुजा बेसिन, इन क्षेत्रों में लोअर गोंडवाना का विस्तार हुआ है, जिसे बराकर श्रेणी भी कहा जाता है। मतलब कि बेसिन क्षेत्र में लोअर गोंडवाना का विस्तार हुआ है। ये जो शहर समूह है ये वनस्पति और जीवों के अवशेष से बनती है, इसीलिए इस शहर समूह में जीवाश्म पाया जाता है और इस शहर समूह में कोयला खनिज पाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अपर गोंडवाना की बात कर ली और लोअर गोंडवाना की बात कर ली, अब हम बात करते हैं मध्य गोंडवाना की। तो मध्य गोंडवाना का विकास छत्तीसगढ़ में अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, ये थोड़ी मात्रा में कहीं कहीं सोन नदी घाटी में और नीचे महानदी बेसिन में पाई जाती है और यहाँ इसे परसोरा या टिकी के नाम से जाना जाता है। तो बस आप इतना ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं मैप में, हमको मैप को देख के ये समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के मैप में हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा विस्तार आर्कियन शहर समूह का है, फिर कड़प्पा शहर समूह का है और उसके बाद ये येलो कलर का एरिया देखिए, ये भी तो ज्यादा दिख रहा है ना, तो उसके बाद फिर गोंडवाना शहर समूह का विस्तार है लगभग 17%। तो यहां से हमारा ये सवाल बन जाएगा, तो सबसे ज्यादा विस्तार आर्कियन का है, आर्कियन के बाद कड़प्पा का, कड़प्पा के बाद गोंडवाना का और फिर उसके बाद धारवाड़ शहर समूह का। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1342 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लेकिन इसके अतिरिक्त दो शहर समूह और पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, कौन कौन से नाम बताए थे मैंने, दक्कन शहर समूह और विंध्यन शहर समूह। अगर हम विंध्यन शहर समूह की बात करें तो इसकी भी दो श्रेणी है, अपर विंध्यन शहर समूह और लोअर विंध्यन शहर समूह। जहाँ पर अपर विंध्यन शहर समूह छत्तीसगढ़ में विस्तृत नहीं है, ये नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत है, और लोअर विंध्यन शहर समूह की बात करें तो ये लोअर विंध्यन शहर समूह कहीं कहीं सोन नदी घाटी और छत्तीसगढ़ के मैदान क्षेत्र में पाई जाती है। ये ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में और सोन नदी घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है। ये परतदार चट्टानें होती हैं, ठीक, और कड़प्पा शहर समूह ये कायांतरिक चट्टानें होती है। तो अब हम दक्कन शहर समूह की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम दक्कन शहर समूह को देखते हैं, तो ये वाला तो क्षेत्र है ना पाट प्रदेश का एरिया, इन पाट प्रदेश के एरिया में और कहीं कहीं ये उत्तरी राजनांदगांव और कबीरधाम के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में दक्कन शहर समूह का विस्तार है। यहाँ पर बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना हमें दिखाई देती है, ठीक।
तो अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। देखिए, मैंने यहाँ पर इतने विस्तार से छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को इसलिए समझाया ताकि इससे संबंधित कोई भी सवाल आए CGPSC प्री में, वो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। और अभी हम आगे देखेंगे, अभी हमने पूरा बेस क्लियर कर लिया है ना, तो अब हम आगे देखेंगे कि आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं उसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है हमारे लिए। जैसे कि दूसरा सवाल है, महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि में किस शैल समूह का विस्तार है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए दक्कन, बी कड़प्पा, सी धारवाड़ और डी आर्कियन। तो हम फिर से एक बार मैप देख लेते हैं और मैप में देखिए, ये है महानदी बेसिन। यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है कि महानदी बेसिन के सीमांत उच्च भूमि में कौन से शैल समूह का विस्तार है। तो ये तो हमने पहले भी देखा था कि इसके सीमांत उच्च भूमि में आर्कियन शैल समूह का विस्तार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्कियन शैल समूह का विस्तार है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, दक्कन शैल समूह में निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति होती है? सवाल बहुत ही ज्यादा फेवरेट है CGPSC का। किसी भी चट्टान के नाम दे दिए जाएंगे आपको और आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है, कुछ प्रमुख खनिजों के नाम आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम दक्कन शैल समूह की बात करें तो दक्कन शैल समूह में बॉक्साइट के खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दक्कन शैल समूह लिख देती हूँ। इसके अतिरिक्त अगर कोयला की बात करें तो कोयला गोंडवाना शैल समूह में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो आर्कियन शैल समूह में ग्रेनाइट की चट्टाने पाई जाती है। और चूना पत्थर, ये खनिज कड़प्पा शैल समूह में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना में जितने भी शैल समूह विस्तृत हैं उन सभी क्षेत्रों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मुख्य खनिजों के नाम ही ध्यान में रखने हैं, जैसे कि आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत ग्रेनाइट और नीस, दक्कन में बॉक्साइट, गोंडवाना में कोयला, कड़प्पा शैल समूह में चूना पत्थर और डोलोमाइट। वहीं पर आगे हम और भी देख लेते हैं, धारवाड़ शैल समूह में टीन, लौह अयस्क, क्वार्ट्ज और अभ्रक, ये खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। दंडकारण्य का अधिकांश भाग किन चट्टानों से घिरा है? हमने इसकी चर्चा पहले भी की है। हमें पता है कि पठारी क्षेत्रों में आर्कियन शैल समूह विस्तृत है, ठीक है? तो यहाँ से ये सवाल आराम से हमसे सॉल्व हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा और विंध्यन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंडकारण्य का अधिकांश भाग, लगभग 75% हिस्सा आर्कियन शैल समूह से बना हुआ है। लेकिन हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं, ये है दंडकारण्य का क्षेत्र। तो दंडकारण्य के क्षेत्र में लगभग 75% क्षेत्र तो आर्कियन शैल समूह विस्तृत है। इसके अतिरिक्त तो और कौन कौन से शैल यहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कड़प्पा शैल समूह की विंध्यावा श्रेणी है, मतलब कि आर्कियन पाए जाते हैं, कड़प्पा शैल समूह पाया जाता है, ठीक है, और इसका भी विंध्यावा श्रेणी, ठीक। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, धारवाड़ शैल समूह भी पाए जाते हैं। धारवाड़ शैल समूह का बस्तर बालोद श्रेणी यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर मुख्य रूप से लौह अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है, लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो यहाँ पर धारवाड़ शैल समूह भी विस्तृत है। तो यहाँ पर कौन कौन से शैल नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पर गोंडवाना, दक्कन और विंध्यन, ये शैल समूह नहीं पाए जाते हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि दंडकारण्य के पठार में कौन से शैल समूह नहीं पाए जाते हैं, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो हसदेव, मांड और केलो नदी घाटी में
किस शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, कड़प्पा शैल समूह, गुडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह और दक्कन शैल समूह। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो कि ज्यादा हमें कुछ पता नहीं है, ज्यादा कुछ याद नहीं है, तो इस ऑप्शन से ही हमको प्रश्नों को हल करना आना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि गुंडवाना शैल समूह उत्तर के क्षेत्र में विस्तृत है, कड़प्पा शैल समूह बीच में है, तो बीच में है तो ये तो जितनी भी नदी घाटी है सब उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत है, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब धारवाड़ शैल समूह की बात करें तो ये भी बीच में और नीचे विस्तृत है। दक्कन की बात करें तो ये पाट प्रदेशों में पाई जाती है, तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि हाँ गुंडवाना शैल समूह ही होगा जो कि हसदेव मांड केलो नदी घाटी में विस्तृत है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हसदेव रामपुर की बेसिन में मांड नदी घाटी में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, और कोयला पाया जाता है तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो गुंडवाना शैल समूह में पाया जाता है। गुंडवाना की चट्टानों में कोयले खनिज की प्राप्ति होती है, तो यहाँ से भी हमें ये समझना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये वाला एरिया, ये हसदेव रामपुर बेसिन, ये मांड नदी घाटी और यहाँ पर केलो, तो इस एरिया में गुंडवाना चट्टाने पाई जाती है। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे मिट्टी से संबंधित सवालों को। पहला सवाल है, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सूची एक में मिट्टियों के स्थानीय नाम दिए गए हैं और सूची दो में उसके गुण को बताया गया है। तो इस सवाल को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम उससे पहले ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में देखिए लाल मिट्टी तीन प्रकार की पाई जाती है, लाल पीली, मतलब कि लाल और ये पीले रंग की होती है, लाल रेतीली और लाल दोमट। इसमें रेत की मात्रा ज्यादा होती है और उसमें लोमी क्ले की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रेतीली और दोमट रखा गया है। इसके अतिरिक्त काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, तो इतने प्रकार की मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यहां तक समझ में आया? अब हम इसके स्थानीय नाम को जानते हैं। तो लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है, लाल रेतीली मिट्टी को टिकरा, काली मिट्टी को कन्हार, रेगुर या भर्री कहा जाता है, और लेटेराइट मिट्टी को भाटा कहा जाता है। ये है इनके स्थानीय नाम। अब इसे आपको ध्यान में कैसे रखना है, तो अगर हम थोड़ा टिक लगाएं तो देखें यहाँ पर कि इसका पहला लेटर क है और इसका पहला लेटर भी क है। तो कन्हार से काली मिट्टी, लाल पीली को मटासी आप ध्यान में रखिए, रेतीली का यहाँ पर ता और टा कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करके आपको इसे ध्यान में रखना होगा, जैसे कि लेटेराइट में टा है और यहाँ पर भी टा है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया कि इस इतनी मिट्टी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और उसके स्थानीय नाम इस प्रकार से हैं। अब हम आते हैं सवाल पर। अब देखिएगा सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है। भाटा, भाटा देखिए किसे कहा जाता है, लेटेराइट मिट्टी को कहा जाता है, तो अ का मैच हो जाएगा थ्री। टिकरा, टिकरा किस मिट्टी को कहते हैं, तो लाल रेतीली मिट्टी को कहा जाता है, ब का मैच फोर। मटासी, लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है, और कन्हार काली या गहरी भूरे रंग की मिट्टी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ का थ्री, ब का फोर, अ का थ्री, ब का फोर, स का वन और द का टू। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लाल पीली और काली मिट्टी, इसे डोरसा मिट्टी कहते हैं। ठीक, तो इतनी मिट्टियों के नाम आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, भाटा, मटासी, डोरसा और कन्हार। अगर आप इन मिट्टियों के स्थानीय नाम ही याद रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इसे पहले इनके सामान्य नामों में कन्वर्ट कर लीजिए। भाटा लेटेराइट मिट्टी, मटासी लाल पीली मिट्टी, डोरसा लाल पीली और काली मिट्टी, कन्हार काली मिट्टी। ठीक है,
अब हम मिट्टियों के विस्तार को देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मैक्सिमम क्षेत्र है, उत्तर और मध्य का क्षेत्र, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, ये जो लाल पीली मिट्टी है ना, ये कड़प्पा और धारवाड़ शैल समूह के अपरदन से निर्मित होती है, और इसीलिए जहाँ जहाँ धारवाड़ शैल समूह है और कड़प्पा शैल समूह है, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में विशेष तौर पर धान की खेती होती है। तो छत्तीसगढ़ के लगभग 55 से लेकर 60% क्षेत्र में लाल एवं पीली मिट्टी विस्तृत है। अब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं, तो दूसरे नंबर पे हम यहाँ देख रहे हैं कि जो नीचे का एरिया है ना, यहाँ पर कौन सी मिट्टी विस्तृत है, तो लाल रेतीली मिट्टी मिश्रित है। लाल रेतीली मिट्टी में मोटे अनाज की खेती होती है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, इस प्रकार से दंडकारण्य के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, पूरा बस्तर का संभाग और ऊपर थोड़ा दक्षिण राजनांदगांव और नीचे दक्षिण बालोद, इस क्षेत्र में लाल रेतीली मिट्टी विस्तृत है, जहां पर मुख्य रूप से मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो दूसरे नंबर पे लाल रेतीली मिट्टी, लगभग 30 से 35% क्षेत्र में लाल रेतीली मिट्टी विस्तृत है। ठीक, लाल पीली मिट्टी की चर्चा कर लिए, लाल रेतीली मिट्टी की भी हम चर्चा कर लिए, अब हम बात करेंगे लाल दोमट मिट्टी की। तो लाल दोमट मिट्टी आप देखिए, यहाँ पर ये जो सुकमा का क्षेत्र है ना, सुकमा, दंतेवाड़ा, इस क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि दंडकारण्य का जो दक्षिणतम हिस्सा है, यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लगभग 10 से 15% क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। अब हम और आगे चर्चा करते हैं, तो तीन मिट्टियों की चर्चा कर लिया हमने, अब हम बात करेंगे काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी, यहाँ पर देखिए, ये वाला जो एरिया है ना, मैकल श्रेणी का, उत्तरी राजनांदगांव, कबीरधाम और मुंगेली, ये वाला क्षेत्र, थोड़ा और हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर दुर्ग, बेमेतरा, ये वाला क्षेत्र, और फिर नीचे आते हैं तो रायपुर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद। इस सीरीज में देखिए, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और इसमें मुख्य रूप से गेहूं, गन्ना, कपास की खेती होती है। इसके अतिरिक्त हम लैटेराइट मिट्टी की बात करें, हाँ, काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, थोड़ा उत्तर के क्षेत्र में भी पाई जाती है, अंबिकापुर, रामानुजगंज का जो एरिया है, यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। अगर हम लैटेराइट मिट्टी की बात करें, तो लैटेराइट मिट्टी पाट प्रदेशों में पाई जाती है, इस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें मैप से क्या समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा विस्तार लाल पीली मिट्टी का है, फिर उसके बाद नीचे लाल रेतीली मिट्टी का है। ठीक है, बाकी जो विस्तार है वो कहीं कहीं अत्यल्प, छोटे छोटे मात्रों में अलग अलग मिट्टियों का है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक विस्तार किसका है, तो लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी, मटासी। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, निम्न में से अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पर फिर से चार ऑप्शन दिए गए हैं, भाटा, मटासी, डोरसा और कन्हार। तो फिर से हम इसे क्या करें, कन्वर्ट कर लेते हैं। भाटा, लैटेराइट, मटासी, लाल पीली मिट्टी, डोरसा, लाल पीली और काली मिट्टी, और कन्हार, काली मिट्टी। ठीक, तो देखिए, अगर मैं छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियों को उपजाऊपन के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखूं, तो सबसे पहले नाम आता है लैटेराइट मिट्टी का, फिर लाल रेतीली मिट्टी, उसके बाद लाल पीली मिट्टी, फिर लाल दोमट मिट्टी और अंत में काली मिट्टी। मिक्स्ड मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम,
ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो देखिए लैटेराइट मिट्टी के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये कंकड़ युक्त पार्टिकल होते हैं और इसीलिए यहाँ पर इस लैटेराइट मिट्टी में जो कि पहाड़ प्रदेशों में पाई जाती है यहाँ पर बागानी फसलें की जाती है, चाय कहवा इस प्रकार से फसलें की जाती है और इस प्रकार की मिट्टी भवन निर्माण के कार्य आती है। मतलब कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर गेहूं या धान की तो खेती नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उनके बीच में बहुत होल्स होते हैं, ठीक है, जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है और इसीलिए इसका उपजाऊपन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। लाल रेतीली मिट्टी, इसके भी पार्टिकल रेत के साइज के होते हैं, ठीक है, और इसकी भी जल धारण करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है और इसीलिए इसका उपजाऊपन भी कम होता है। उसके बाद हम नीचे लाल पीली मिट्टी की बात करें तो देखिए ये बीच में आता है, ठीक है, ये सामान्य उपजाऊ मिट्टी है, बहुत ज्यादा उपजाऊ भी नहीं है और बहुत कम उपजाऊ भी नहीं है और यहाँ पर धान की खेती होती है। इसका जो लाल रंग होता है वो लोहे के ऑक्साइड स्पेशली फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगर हम लाल दोमट मिट्टी की बात करें तो ये एक प्रकार की क्लेई सॉइल है, इसमें जल धारण करने की क्षमता होती है, ठीक, और काली मिट्टी में तो सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। तो अगर हम बढ़ते क्रम में देखें तो उपजाऊपन की दृष्टिकोण से इस प्रकार से हम इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक। तो पार्टिकल साइज जो है ऐसा है, सबसे कम पार्टिकल साइज इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। उपजाऊपन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा उपजाऊ कन्हार की मिट्टी है, ठीक है। अगर हम इसके पीएच वैल्यू की बात करें, ह्यूमस की बात करें तो ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है, उपजाऊपन में ही आ गया ह्यूमस। पीएच वैल्यू की बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है, मतलब कि लैटेराइट मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है और कन्हार मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, उदासी पीएच वैल्यू 7 होता है। तो जो लाल पीली मिट्टी होती है ना ये थोड़ी अम्लीय और थोड़ी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है और छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, मतलब जो बस्तर का क्षेत्र है वहां पर अगर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है अत्यंत मात्रा में तो वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो कन्हार मिट्टी है, ठीक है। कन्हार मिट्टी का काला रंग ह्यूमस एल्यूमिनियम और लोहे के टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट यौगिक के कारण होता है, ठीक है, ये काला या फिर गहरे भूरे रंग की मिट्टी होती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो यहाँ पर कन्हार मिट्टी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पढ़ते हैं, इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो हमने अभी देखा कि कन्हार मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये आसानी से चूंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही महीन होते हैं, ठीक है, चिकनी मिट्टी होती है तो इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जब भी ये जल धारण करती है तो ये स्वेल हो जाती है, फूल जाती है और जैसे इससे जल बाहर निकल जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती है और आसानी से इस मिट्टी के अंदर सूर्य की किरणें और वायु जो है वो पहुंच जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, तो हमने देखा कि जब पार्टिकल की साइज कम होती जाती है तो उसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती जाती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका रंग गहरा काला या भूरा काले रंग का होता है, तो हाँ होता है। दंडकारण्य नदी घाटियों में यह मिट्टी पाई जाती है, तो हमने देखा कि दंडकारण्य के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो हाँ ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो असत्य कथन कौन सा है, तो इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, मडासी मिट्टी के संबंध में क्या सत्य है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है, महानदी बेसिन में उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी पाई जाती है। तो पहले तो ये समझिए कि मटासी मिट्टी का मतलब क्या होता है। मटासी मिट्टी का मतलब होता है लाल एवं पीली मिट्टी। तो हाँ, महानदी बेसिन में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, उत्तम किस्म की लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक।
यह छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक भूभाग में विस्तृत है। तो हाँ, लगभग 55 से लेकर 60% क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी विस्तृत है। छत्तीसगढ़ में इस मिट्टी में सर्वाधिक धान की खेती होती है। तो हाँ, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक धान की खेती होती है। इसे मंडलीय मृदा भी कहते हैं। ये मंडलीय मृदा क्या है? चूंकि ये मिट्टी भारत के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, स्पेशली ये पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, इसीलिए इसे मंडलीय मृदा भी कहते हैं। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें सत्य कथन को चुनना है, मतलब उपरोक्त सभी। तो देखिए, आपको इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए खुशखबरी है, कॉम्पिटिशन कमेटी के द्वारा आप सभी की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए कॉम्पिटिशन कमेटी की वेबसाइट पर हर रविवार सुबह 11 बजे फ्री में टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हर रविवार को सुबह 11 बजे फ्री में टेस्ट आयोजित किया जाएगा। ये टेस्ट ऑनलाइन होगा कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के वेबसाइट पर। देखिए, जब भी हम CGPSC की तैयारी करते रहते हैं ना, तो हाँ, मैं भी इस परिस्थिति से गुजरी हूँ। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता है, इतने कम समय में हमें इतनी सारी तैयारी करनी होती है। और जब भी हम कुछ पढ़ते हैं और फिर आगे पढ़ने वाले होते हैं, तो जो पिछला पढ़ा हुआ होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। तो इस दौर पे सबसे ज़्यादा हमारी हिम्मत बढ़ाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जब जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई टेस्ट दिलाते हैं, तो हमारी हिम्मत काफ़ी बढ़ जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और हमें ये समझ में आता है कि हम कितने पानी में हैं और इस यात्रा में कहाँ तक निकल चुके हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर परफॉर्म कर सके, आप अपने आत्मविश्वास को और भी ज़्यादा बढ़ा सके, इसके लिए कॉम्पिटिशन कमेटी के द्वारा इस टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ इस FTR सीरीज में जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, उन सब के लिए ये टेस्ट फ्री है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर करें और अपनी तैयारी को जांचें। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं। तो यहाँ पर सभी मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इसे उच्च से निम्न भूमि के क्रम में अरेंज करना है। मतलब कि सबसे उच्च भूमि में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और सबसे निम्न भूमि में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जब बस्तर के पठारी क्षेत्र की बात की जाती है, तो यहाँ पर सबसे उच्च में मरहान, टिकरा, सरमान और उसके बाद गभार मिट्टी पाई जाती है। इसे आप इसी सिक्वेंस में याद रखिएगा। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है, तो आप ट्रिक बना लीजिए इसके पहले पहले लेटर से, जैसे कि माटी मग। तो इस प्रकार से माटी मग आप बार बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा। बस्तर के पठारी क्षेत्र में कुछ स्थानीय मिट्टियाँ पाई जाती है, जो उच्च भूमि से निम्न भूमि के अगर हम सिक्वेंस में देखें, तो सबसे उच्च भूमि पर मरहान पाई जाती है, फिर टिकरा, फिर माल, फिर गभार। उसी प्रकार से सरगुजा के क्षेत्र में भी स्थानीय मिट्टी पाई जाती है, और अगर हम इसे उच्च से निम्न की तरफ सीक्वेंस में अरेंज करें, तो सबसे उच्च भूमि पर टिकरा, फिर छावर, देन गाछ छावर और उसके बाद बाहरा मिट्टी पाई जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से अगर आपको इसे याद रखने का तरीका समझना है, तो पहले आप इसे याद रखिए माटी मक करके, और देखिए बस्तर के पठारी क्षेत्र में भी टिकरा पाई जाती है, तो इसी की शुरुआत सरगुजा के क्षेत्र से होती है। टिकरा, फिर उसके बाद छावर, फिर गाछ छावर। छावर जो है ये 3 लेटर से बना है और गाछ छावर जो है 5 लेटर से बना है। तो यहाँ से आप इसको टिक लगाइए, पहले छावर आएगा, फिर गाछ छावर और उसके बाद बहरा। तो इस प्रकार से आपको इन स्थानीय मिट्टियों के नाम तो याद रखने ही हैं, और ये भी ध्यान में रखना है कि उच्च से निम्न भूमि के सिक्वेंस कैसे हैं इसके। ठीक, अब हम बात करते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मरहान, टिकरा, माल और गभार। ठीक, अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बगानी फसल के लिए उपयुक्त है? हमने देखा था कि लैटेराइट मिट्टी ये कंकड़युक्त मिट्टी होती है, इसमें जल धारण करने की
क्षमता बहुत कम होती है और यहाँ पर बागवानी फसल किए जाते हैं और इस मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेटराइट। हाँ, ऑप्शन ए लेटराइट इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे जलवायु से संबंधित प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं और हमें इस पर विचार करके सही उत्तर को चुनना है, मतलब कि सही कथन को हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला कथन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ना केवल छत्तीसगढ़ की बल्कि भारत की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्यों? तो पहले जलवायु का मतलब समझते हैं। जलवायु क्या होता है? तो किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक उस क्षेत्र के मौसम की स्थिति को जलवायु कहते हैं। ठीक, मानसूनी का मतलब क्या होता है? तो किसी भी क्षेत्र में एक साल, लंबी अवधि तक की बात चल रही ना, एक साल में वायु के प्रवाह की स्थिति को मानसून कहते हैं। ठीक है, वायु के प्रवाह के दिशा के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार वायु प्रवाह की दिशा को मानसून कहा जाता है। ठीक, अब उष्णकटिबंधीय क्या होता है? तो पिछले लेक्चर में हमने ग्लोब का चित्र देखा था, यहाँ पर देखा था ना कि 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और नीचे 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ना, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, और चूंकि भारत भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानसूनी जलवायु इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिकतम मानसूनी हवाओं के कारण होती है। कैसे होती है, हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, कबीरधाम जिले में औसत वार्षिक वर्षा न्यूनतम होती है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, हम समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये कबीरधाम का एरिया है ना, यहाँ पर मैकल श्रेणी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हवाएं जो है इस ओर से आ रही हैं। तो जब ये हवाएं पवन सम्मुख ढाल पर चढ़ती हैं, इसे पवन सम्मुख ढाल कहते हैं। ठीक है, इस पर जब ये चढ़ती है तो यहाँ पर खूब वर्षा होती है, लेकिन जैसे जब ये यहाँ से नीचे उतरती है, पवनामुखी ढाल पर नीचे उतरती है, तो यही हवाएं शुष्क हो जाती हैं, शुष्क और गर्म हो जाती, जिसकी वजह से ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर वर्षा नहीं होती और इसीलिए इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर कबीरधाम की स्थिति भी बिल्कुल वैसी है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। कबीरधाम जिले में औसत वार्षिक वर्षा न्यूनतम होती है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कबीरधाम जिले में होती है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तीसरा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ के क्षेत्र में होती है। तो हाँ, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ के क्षेत्र में, जशपुर पाट प्रदेश के क्षेत्र में और रायगढ़ बेसिन में होती है। ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है और अबूझमाड़ के क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। चौथा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ में पाट प्रदेश में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। तो हमने देखा है कि मेन पाट उच्च भूमियों में से एक है और यहाँ पर सर्वाधिक ठंड पड़ती है। तो हाँ, पाट प्रदेशों में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मेन पाट के क्षेत्र में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। ठीक, तो चारों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर को चुनिए, तो उपरोक्त सभी। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, वर्षा ऋतु के संबंध में क्या सत्य है? कथन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच वर्षा होती है। और दूसरा,
इस समय सागर के उच्च दाब केंद्र से निम्न दाब स्थल की ओर हवाएं चलने लगती है। तो ये कह क्या रहा है, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये देखिए, ये है भारत का मैप। गर्मी के दिनों की बात करें, ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, गर्मी के दिनों में क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है राजस्थान का जो क्षेत्र है, ये स्थल क्षेत्र है, यहाँ स्थल जो होता है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर निम्न वायु दाब की स्थिति हो जाती है। और नीचे का जो सागरीय क्षेत्र है ना, यहाँ पर उच्च वायु दाब की स्थिति हो जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर निम्न वायु दाब की स्थिति है और नीचे दक्षिणी क्षेत्र में उच्च वायु दाब की स्थिति है, जिसके कारण जो मानसूनी हवाएं हैं, अगर हम ग्लोब की बात करें, हम ग्लोब में देखते हैं तो ये है भूमध्य रेखा, तो ये दक्षिण पूर्वी समांगी हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाह करने लगती है, और जैसे ही ये भूमध्य रेखा से पार होती है तो ये राइट साइड में मुड़ जाती है और निम्न वायु दाब की ओर बहने लगती है। और यही हवाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना ये, और इसी की वजह से छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा, 90% वर्षा जो है छत्तीसगढ़ में, इन मानसूनी हवाओं की वजह से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की वजह से होती है। यहां तक समझ में आया? फिर से हम सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर के मध्य वर्षा होती है। तो हमने देखा कि हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है, और मैक्सिमम वर्षा बंगाल की खाड़ी की वजह से होती है, 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी की वजह से होती है, और 10% वर्षा ही अरब सागर की शाखा से चलने वाली हवाओं की वजह से होती है। ठीक है, तो पहला कथन तो सत्य है, और इसका कारण क्या है कि इस समय सागर में उच्च दाब की स्थिति होती है और स्थल में निम्न दाब की स्थिति होती है, और हवाएं जो है उच्च दाब केंद्र से निम्न दाब केंद्र की ओर चलती है, तो ये कारण भी सत्य है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राज्य में सर्वाधिक तापमान कब होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मार्च के माह में, मार्च के अंत में, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, अप्रैल के अंत में, मई के प्रथम सप्ताह में, मई के अंत में, जून के प्रथम सप्ताह में। तो देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तापमान 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक ज्यादा होता है। इसमें भी मई के अंत में और जून के प्रथम सप्ताह में यहाँ हवाएं गर्म और शुष्क हो जाती है। इन्हीं गर्म शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। तो यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि मई के अंत में और जून के प्रथम सप्ताह में तापमान सर्वाधिक होता है, और सर्वाधिक तापमान छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है? तो जांजगीर चांपा जिले में होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है। इसे भी हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये देखिए, ये है 21 जून की स्थिति, 21 जून ये सूर्य है, ये अलग अलग इंटरवल की स्थिति है, हर चार चार महीने की स्थिति। देखिए, यहाँ पर जून है, जुलाई है, पृथ्वी की सितंबर की स्थिति ये है, अक्टूबर की ये है, दिसंबर की, जनवरी की ये है, मार्च और अप्रैल की ये है। तो हम सिर्फ ये वाली स्थिति को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी जो है वो टिल्टेड फॉर्म में है। देखिए, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो टिल्टेड कैसे है? इस प्रकार से है। तो ये है कर्क रेखा। तो इस समय हम देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, और इसीलिए इस समय यहाँ का तापमान सर्वाधिक होता है। उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होता है, और
यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र के अंतर्गत देश आते हैं यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होता है। तो चूंकि भारत जो है वो कर्क रेखा में लाई करते हैं और इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी इस समय होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप पृथ्वी की स्थिति को देखें तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जून में सर्वाधिक गर्मी क्यों होती है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक गर्मी जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तापमान कब होता है, तो मई के अंत में और जून के प्रथम सप्ताह में। तो इस प्रकार से CGPSC प्री में सवाल पूछे जाते हैं, आपको अब समझ को डेवलप करना होगा। देखिए दो प्रकार की चीजें होती है, CGPSC में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हमें ये पता है ना, और जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो सामान्य छत्तीसगढ़ की जानकारियां है उससे संबंधित सवाल तो CGPSC में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो अब किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, तो परसेंटेज में बटा होता है, कुछ फैक्चुअल होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाले सवाल होते हैं और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके बारे में पहले तो हमने कभी सुना नहीं या फिर बहुत कम हमने इसके बारे में जाना हो। तो ये वो सवाल है जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाले सवाल होते हैं। तो अब आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर फैक्ट्स को याद नहीं रखना है बल्कि अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना है और समझने का प्रयास करना है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु ऐसी क्यों है, अभी तक हमने क्या और कैसे की चर्चा की, क्या की चर्चा की, कैसे की चर्चा की, लेकिन हमने अभी तक क्यों की चर्चा नहीं की है। तो अब हम क्यों पर आएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जलवायु ऐसी क्यों है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना ऐसी क्यों है। अब हम हमेशा जब भी सवालों को हल करेंगे तो हम क्यों पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम जल संसाधन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जल संसाधन के अंतर्गत नदी जलप्रपात बांध नदी परियोजना एनीकट इन सभी से संबंधित सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।